देखिए, कल हमारी देश की नेता दशरथ के प्रधानमंत्री ने बताया टीएमसी का काम ही है गुंडागर्दी और हमला करना। टीएमसी का साथ पुलिस का फर्जी मामला करना बीजेपी का कार्यकर्ता के खिलाफ, और गुंडा जैसे शाहजहां लाई गुंडा टीएमसी का, जो लोग अभी भी बाहर है वो लोग गुंडागर्दी हमला करना ही उसका आदत है। आप लोग देख लीजिए जिस जिस एरिया में गुंडागर्दी हुआ है, कौन लोग किया है। मुर्शिदाबाद का बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ोआ में हुआ है, माहे आलम ने किया। हिजलोना में हुआ है, रायना बामदेव मंडल ने किया। चापड़ा में जो हादसा हुआ उसमें राजीव शेख सीधा सीधा इन्वॉल्व है ये। लेकिन सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस बूथ का सुरक्षा पूरा दिया है, और ईसीआई ने बंगाल का हालत का देखते हुए हर बूथ में वेब कास्टिंग का जो अरेंजमेंट किया है उसमें अच्छा तरीके से बूथ के अंदर बूथ कंपार्टमेंट फुल्ली सिक्योर्ड है। और हम लोग करीब करीब पिछले जो 2019 और 2021 का चुनाव में जो एजेंट था बीजेपी का, उससे भी ज्यादा एजेंट इस बार हर पार्लियामेंट सीट में बीजेपी का कार्यकर्ता ने अपने उत्साह के साथ उन्होंने पोलिंग एजेंट का काम भी कर रहा। हम लोग जितना कल मिडनाइट से जितना भी एलिगेशन दिया था उसका सीएपीएफ ऑब्जर्वर और ईसीआई का तरफ से जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। गांव के अंदर खास करके कुछ गुंडा प्रॉन एरिया है, वहां वोटर को रोका जा रहा है कुछ क्षेत्र में। लेकिन सीएपीएफ का जो कंट्रोल रूम कलकत्ता से मॉनिटर हो रहा है, वहां इंफॉर्मेशन मिलते ही 15-20 मिनट 30 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम का रिस्पांस भी मिल रहा है। इसलिए 100% फ्री एंड फेयर वोट नहीं हो रहा है, ये सही है। लेकिन टीएमसी का गुंडा, टीएमसी पार्टी पुलिस का साथ मिला भगत होकर पिछले जितना चुनाव में धांधली किया था, इस बार इतना धांधली करने का मौका उसको नहीं मिल रहा है। अभी चुनाव चल रहा है, हम लोग का उम्मीद है 80% का करीब करीब चुनाव में वोट डाली जाएगा। और बीजेपी का जो सीट है इस 7 क्षेत्रों में के अंदर 2 सीट हमारी है, इस बार काफी सीट बीजेपी चुनाव जीतेगा। और बंगाल में मोदी जी का लहर जो पूरा देश में चल रहा है, इस बार बंगाल में इसका साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मोदी वेव है, मोदी जी का लीडरशिप के लिए और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता मतदाता तैयार है।